जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायद ही दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका कोई मित्र ना हो, कोई दोस्त ना हो। हर किसी का एक बेस्ट फ्रेंड होता है और जिससे वो सारी बातें कहता है। सच्चा मित्र वो होता है जो आपके सुख में काम दे या ना दे, दुख में जरूर काम देगा और आपको कभी भी गलत रास्ते पर जाने नहीं देगा, वही सच्चा मित्र होता है। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, ये दो व्यक्ति हैं यहाँ पर और ये भी दोनों मित्र हैं। आप इसके कपड़े देख सकते हैं, इसके कपड़े फटे हुए हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये गरीब व्यक्ति होगा और ये इसके कपड़े देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये अमीर व्यक्ति होगा और इन दोनों में सच्ची मित्रता है। तो आइए हम लोग आज एक मित्रता वाली कहानी पढ़ते हैं। ये है क्लास 5 का इंग्लिश बुक और चैप्टर 6 है ट्रू फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे मित्र। सच्चे मित्र की एक कहानी दिया हुआ है, किस प्रकार के सच्चे मित्र होते हैं तो इस कहानी में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं दुलार चंदास और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार में। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, आप हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिसके कारण मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं आप लोगों के लिए लगातार काम करता रहूं। तो आइए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सुखी राम एंड दुखी राम वेयर टू फ्रेंड्स। सुखी राम और दुखी राम दो दोस्त थे। दे लिव्ड इन ए विलेज। वे दोनों एक गाँव में रहते थे। वंस सुखी राम वेंट टू टाउन। एक बार सुखी राम शहर चला जाता है। ही सेटल देयर। और वहीं पे वो बस जाता है। ही स्टार्टेड ए बिजनेस। वो एक व्यापार शुरू करता है। ही बिकेम वेरी रिच। वो बहुत ही अमीर हो जाता है। ही अर्न ए लॉट ऑफ मनी। वो बहुत पैसा कमा लेता है। ही बिल्ट ए बिग हाउस इन द टाउन। वह शहर में एक बहुत ही बड़ा घर बना लेता है। ही हैड मैनी सर्वेंट्स हु वर्क इन हीज फैक्ट्री। उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर हो जाते हैं जो उसके कारखाने में काम करते हैं। हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वॉज वेरी हाई। उसके रहन सहन की शैली बहुत ही उच्च हो जाती है। वह अमीर लोगों की तरह रहने लगता है। वन डे वैन सुखी राम वॉज टेकिंग रेस्ट। एक दिन जब सुखी राम आराम कर रहा था, हिज सर्वेंट कैम। उसका एक नौकर आया। ही सेड, और वह कहता है, ए पुअर मैन हैज कम हियर। एक गरीब व्यक्ति यहाँ आया हुआ है। ही इज इन रेज। वह फटे हुए कपड़ों में है। ही सीम्स वेरी वीक एंड हंग्री। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह बहुत कमज़ोर और भूखा है। ही क्लेम्स टू बी योर चाइल्डहुड फ्रेंड। वह दावा कर रहा है कि वो आपके बचपन का मित्र है। ही वॉन्ट्स टू मीट यू। वह आपसे मिलना चाहता है। सुखी राम सेड। सुखी राम कहता है, माई चाइल्डहुड फ्रेंड। डिड यू आस्क हिम हिज नेम। कि मेरा बचपन का दोस्त, क्या तुमने उससे उसका नाम पूछा। द सर्वेंट सेड। नौकर बोलता है, हिज नेम इज दुखी राम। उसका नाम दुखी राम है। He has come from your village. वह आपके गांव से ही आया है। सुखी राम रश टू द डोर। सुखी राम दरवाजे की तरफ भागते हुए जाता है। एट द डोर ही इम्प्रेस दुखी राम। वह दरवाजे पर पहुंचकर दुखी राम को गले लगा लेता है। ही ब्रॉट दुखी राम इन साइड हिज हाउस। वह दुखी राम को अपने घर के अंदर ले आता है। द सर्वेंट वॉज ऑर्डर टू ब्रिंग न्यू क्लोथ्स फॉर दुखी राम। नौकर को वह आदेश देता है कि दुखी राम के लिए नए कपड़े ले आओ। दुखी राम चेंज्ड हिज ड्रेस। दुखी राम कपड़ों को बदल लेता है। द सर्वेंट ब्रॉट फूड फॉर देम। नौकर उसके लिए भोजन ले आता है। बोथ फ्रेंड्स एट टुगेदर आफ्टर सेवरल ईयर्स। दोनों दोस्त कई सालों के बाद एक साथ भोजन किए। सुखी राम आस्क्ड। सुखी राम ने पूछा, फ्रेंड व्हाई इज योर कंडीशन सो बैड। कि मित्र, तुम्हारा यह खराब स्थिति कैसे हो गया। What happens with you? कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। दुखी राम सेड। दुखी राम बतलाता है, I had a small shop in the village. गांव में मेरा एक छोटा सा दुकान था। Everything was passing well. सब कुछ अच्छा चल रहा था। One day my shop caught fire. एक दिन मेरे दुकान में आग लग गई। All things burn in it. सारी चीज़ें इसमें जलकर खत्म हो गई। There was a great loss in it. इसके वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। I was not able to return the money of creditors. इसके कारण मैं कर्जदारों के रुपये चुकाने में असमर्थ हो गया। I had to sell my house to pay their money. उसके रुपये को चुकाने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया। Why did you not come to me earlier? तुम पहले ही मेरे पास क्यों नहीं आ गए। दुखी राम बोल रहा है, I thought you were a rich man. कि मैंने सोचा कि तुम एक अमीर आदमी बन गए हो। Whether you would recognize me or not. हो सकता है तुम मुझे पहचानोगे या नहीं पहचानोगे।
When my situation become unbearable in the village, जब मेरी स्थिति गांव में भी रहने की नहीं रही, I decided to meet you. तो मैंने फैसला किया कि मैं तुमसे मिलूं. सुखीराम consult his friend. Don't worry. सुखीराम ने अपने दोस्त को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो. From today, you will live with me. आज से तुम मेरे साथ रहोगे. I shall provide you all facilities. मैं तुम्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा. You will assist me in my business. तुम मेरे व्यापार में सिर्फ मेरा सहयोग करना. Both will distribute the profit. और जो उसमें फ़ायदा होगा वो हम दोनों आपस में बांट लेंगे. दुखीराम started working with his friend. दुखीराम अपने मित्र के साथ काम करना शुरू कर देता है. He worked hard day and night. वह दिन रात बहुत ही कड़ी मेहनत करने लगता है. सुखीराम्स रिलेटिव्स डिड नॉट लाइक इट. सुखीराम के रिश्तेदार ये सब पसंद नहीं करते. वन ऑफ द रिलेटिव्स वेंट टू सुखीराम एंड सेड. उसमें से एक रिश्तेदार सुखीराम के पास जाता है और कहता है, दुखीराम मे ब्रिंग बैड लक फॉर यू, कि दुखीराम तुम्हारे लिए एक दुर्भाग्य है. हिज बैड लक विल कास्ट ए शैडो ओवर योर गुड लाइफ. उसके दुर्भाग्यपूर्ण जीवन का साया तुम्हारे अच्छे जीवन पर पड़ जाएगा. इफ ही इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड, अगर वह तुम्हारे बचपन का दोस्त है, यू शुड गिव हिम सम मनी एंड सेंड हिम बैक टू विलेज. तो फिर उसे कुछ पैसे दे दो और गांव वापस भेज दो. इट इज़ नॉट गुड फॉर यू टू अलाउ हिम टू लिव हियर. यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कि वह तुम्हारे साथ रहे. सुखीराम वाज ए ट्रू फ्रेंड. सुखीराम एक सच्चा दोस्त था. ही डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज रिलेटिव्स एडवाइज. वो अपने रिश्तेदारों के इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया करता था. वे उनकी सलाह को नहीं मानता था. ड्यू टू दुखीराम्स ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क. दुखीराम के कठिन परिश्रम और ईमानदारी के कारण द बिजनेस फ्लोरिस्ट मच. व्यापार बहुत ही आगे बढ़ जाता है. द बिजनेस एक्सपेंडेड टू अदर टाउन्स. व्यापार विस्तार होके फैल कर दूसरे शहरों में पहुंचने लगता है. सुखीराम हैड टू गो आउट ऑफ द टाउन फॉर बिजनेस. सुखीराम को बिजनेस संबंधित काम से शहर से बाहर जाना पड़ रहा था. ही फेल्ट नो प्रॉब्लम इन इट. उसे इस बात के लिए कोई भी चिंता कोई समस्या महसूस नहीं हो रही थी. देर वाज दुखीराम टू टेक केयर ऑफ हिज बिजनेस एंड हाउस. उसके जगह पे दुखीराम उसके बिजनेस और घर का ख्याल रख रहा था. सुखीराम वाज आउट ऑफ द टाउन फॉर ए लॉन्ग टाइम. सुखीराम लंबे समय के लिए शहर से बाहर था. दुखीराम वाज इन हीज हाउस विथ सम ओल्ड सर्वेंट्स. दुखीराम उसके घर में कुछ पुराने नौकरों के साथ था. वन डे सम रोबर्स केम टू लूट द हाउस. एक दिन कुछ डाकू लोग उसके घर को लूटने के लिए आए. दे वेयर टॉकिंग अबाउट देयर प्लान. वे सभी अपने बनाए गए प्लान के बारे में बात कर रहे थे. सडनली दुखीराम वॉक अप. अचानक दुखीराम जाग जाता है. वन ऑफ द रॉबर्स वॉज सेइंग. उसमें से एक डाकू कह रहा था, आई एम श्योर सुखीराम इज आउट ऑफ द टाउन. मैं निश्चित हूँ कि सुखीराम अभी शहर से बाहर गया हुआ है. वी सेल इंटर द हाउस एंड टेक अवे ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द हाउस. हम लोग अभी घर में प्रवेश कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं और सभी कीमती वस्तुओं को चुरा सकते हैं. दुखीराम वाज वरीड. यह सुनकर दुखीराम चिंतित हो गया. ही हैड टू प्रोटेस्ट द रॉबर्स. उसे किसी भी तरह डाकुओं को रोकना था. बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हिम. लेकिन यह उसके लिए बहुत ही मुश्किल था. देयर वेयर ओनली ओल्ड सर्वेंट्स इन द हाउस. अभी सिर्फ कुछ पुराने नौकर ही घर में थे. वट शुड ही डू. उन्हें क्या करना चाहिए वह सोच रहा था. सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड इन हिज माइंड. अचानक ही उसके दिमाग में कोई उपाय आया. ही वेंट टू सर्वेंट्स रूम. वह नौकरों के कमरे में गया. ही वेकन द सर्वेंट्स. उसने सभी सर्वेंट्स को सभी नौकरों को जगा दिया. ही ब्राउट सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. उसने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले वाद्य यंत्र लाए. दुखीराम टोल्ड देम टू प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. दुखीराम ने उन नौकरों से कहा कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना चालू करो. विद इन सम मिनट्स. कुछ ही देर में देर वॉज लाउड साउंड
ऑफ म्यूजिक इन द हाउस। कुछ ही देर में तेज आवाज म्यूजिक का, संगीत का तेज आवाज सुनाई देने लगा। द रोबर्स हियर द साउंड ऑफ लाउड म्यूजिक। डाकुओं ने संगीत का तेज आवाज सुना। दे थॉट दैट म्यूजिक कॉन्सर्ट वाज गोइंग ऑन। उन लोगों ने सोचा कि यह संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। इट मीन्स सुखी राम हैज ऑलरेडी रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस ट्रिप। इसका मतलब है कि सुखी राम पहले ही अपने बिजनेस ट्रिप से वापस लौट चुके हैं। देयर मस्ट बी म्यूजिक प्रोग्राम फॉर हिम एंड हिज फ्रेंड्स। निश्चय ही यह संगीत कार्यक्रम में वो खुद होंगे और उसके मित्र लोग होंगे। मैनी पीपुल आर प्रजेंट इन द हाउस। बहुत सारे लोग घर में उपस्थित होंगे। इन दिस कंडीशन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू लूट द हाउस। ऐसे स्थिति में यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि घर में चोरी की जा सके। दे मे बी काउट एंड सेंट टू जेल। हो सकता है उन लोग पकड़े जाएंगे और जेल भेज दिए जाएंगे। दे फ्लेड अवे फ्रॉम देयर। और वह ऐसा सोचकर वे सभी भाग गए। आफ्टर सम टाइम दुखी राम वेंट टू द रूफ। कुछ देर बाद दुखी राम छत पर चला गया। द रोबर्स वेर सीन नाउ हियर। वे डाकू अब कहीं भी यहाँ नहीं नजर आ रहे थे। वैन सुखी राम रिटर्न। जब सुखी राम वापस आया, हिज सर्वेंट्स टोल्ड हिम अबाउट द प्लान ऑफ दुखी राम। तो उसके नौकरों ने दुखी राम के प्लान के बारे में उनको सुनाया। सुखी राम वॉज वेरी प्राउड टू फाइंड सच ए ट्रू फ्रेंड। सुखी राम अपने आप पे बहुत ही गर्व कर रहा था इस प्रकार के सच्चा मित्र को पाकर। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाती है। इसमें न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, आप इसको पढ़कर याद कर लेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस है इसमें। यह है इस चैप्टर का क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं 2 नंबर में, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में सही गलत करने के लिए दिया गया है। इसमें पहले ही बच्चों ने सही गलत का टिक लगाया हुआ है, इसे देख सकते हैं। इसमें कुछ गलती भी हो सकता है, इसीलिए मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर बना के दे देता हूँ। 4 नंबर में यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे वर्ड्स चुन कर इसमें भरने के लिए दिया गया है। और 5 नंबर में यहाँ पे वो कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो आइए मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर बना के दिखाता हूँ। यह चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर। आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाई डिड सुखी राम सेटल। सुखी राम सेटल्ड इन ए टाउन। व्हाई डिड दुखी राम बिकम पुअर। दुखी राम बिकम पुअर बिकॉज वन डे हिज शॉप कॉट फायर एंड एवरीथिंग बर्न इन इट। He had to sell his house to pay his creditors. How did Sukhi Ram help his friend? Sukhi Ram helped his friend by providing him all facilities. Why was Sukhi Ram out of the town? Sukhi Ram was out of the town for business. What happened when Sukhi Ram was out of the town? When Sukhi Ram was out of the town, some robbers came to loot his house. Why did the robbers flee away? Hearing the sound of loud music which was being played by the servants, the robbers fled away. Question number 2, may choose the correct option. सही विकल्प को चुनने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका आंसर दे दिया है। आप अपने बुक से क्वेश्चन देखकर उसमें टिक लगा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में सही और गलत का चिन्ह लगाने के लिए दिया गया है, इसका भी मैंने डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। आप अपने बुक में क्वेश्चन को देखकर और यहाँ से आंसर देखकर टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड को चुन कर भरने के लिए कहा गया था, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका आंसर दे दिया है। आप अपने बुक से क्वेश्चन को देखकर उसमें भर सकते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 6 पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा भी मदद मिलता है पढ़ाई में, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके आगे के चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।